हेलो गाइस, वेलकम टू डेजी एसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपको स्मार्टफोन परचेज करना और आपका बजट है 17 से 18 हज़ार रुपए का और आप कंफ्यूज हो क्या वीवो S1 का यहां पर इंडिया लॉन्च का वेट करा जाए या रियलमी एक्स को परचेज करा जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों फोन का कंपैरिजन करके आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ और आपको एक्जैक्टली मैं बता देता हूँ कि आपको वीवो S1 का वेट करना चाहिए या रियलमी एक्स को यहाँ पर 17 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर परचेज कर लेना चाहिए। उसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। यू वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, रियलमी एक्स का मैंने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर चैनल पे डाला था, आप नहीं देखे तो चेकआउट कर लो। स्पेशली जो फुल ऑनेस्ट रिव्यू में डाला था वो नहीं देखे चेकआउट कर लो, आपको सारी डिटेल्स, प्रोस कौन, सारी चीज़ें आपको एक्जैक्टली में पता लग जाएगी। अब कंपेरिजन को स्टार्ट करते हम यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के साथ में। तो वीवो S1 इंडिया में 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसकी जो प्राइस पॉइंट है वो बाहर आ चुकी है। उसका बेस ब्रांड है वहाँ पर बताया जा रहा है 128 GB स्टोरेज प्लस 4 GB रैम वाला मॉडल आपको लगभग 18 हज़ार रुपये में इंडिया में देखने को मिलेगा और Realme X में भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला बेस फ्रंट जो आपको 17 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहां पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों में आप देख सकते हो पैटर्न काफी जबरदस्त देखने को मिलता है और ग्रेडिएंट फिनिश का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन दोनों ही फोन यार आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो डिजाइन वाइज दोनों फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन बिल क्वालिटी में दोनों कंपनीज ने यहां पर कॉम्प्रोमाइज करा है। अब बात करते हैं यहां पर दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो Vivo S1 में आपको वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिलता है 6.38 इंच का, एक AMOLED पैनल का इस्तेमाल करा गया है, जबकि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट तो आपको मिलता ही है। साथ में Realme X के बारे में बात करें तो यहां पर आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलता है, 6.5 इंच का मैसिव डिस्प्ले, यहां पर भी AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि यहां पर जो आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले दोनों फोन का काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आप पूछोगे भाई एक बेस्ट डिस्प्ले बताओ तो वो आपको Realme X में देखने को मिलेगा, बिकॉज बेजल लेस तो है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी है, एज वेल एज जो प्रोटेक्शन है आपको Gorilla Glass 5 की देखने को मिल रही है। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो दोनों के बेस वेरिएंट में आपको 128 GB की स्टोरेज मिलेगी 4 GB रैम के साथ में, लेकिन यहाँ पर Realme X में यहाँ पर आपको जो है डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, आपको यहाँ पर SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, जबकि Vivo के फोन में यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट में हमारा पॉइंट ले जा रहा है Vivo का S1। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Vivo S1 में आपको MediaTek का Helio P65 देखने को मिलता है, जो कि 2nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जबकि अगर हम बात करते हैं Realme X के बारे में तो यहाँ पर आपको Snapdragon का 710 देखने को मिलता है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है और Adreno का 616 GPU भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर अगर S1 की देखोगे तो डिसेंट इनफ मिलेगा, लेकिन अब आप दोनों चिपसेट को कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली Snapdragon 710 जो है वो पावरफुल है, एज वेल एज गेमिंग के मामले में भी काफी ज्यादा आगे, बिकॉज ऑफ Adreno 616 के GPU के साथ में। सो ओवरऑल अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पर दोनों फोन में से, तो वहां पर आपका विनर निकल के आता है Realme X। चाहे आप गेमिंग करो या ओवरऑल यूजेज की बात करो तो आपका Realme X बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू Vivo S1 से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि दोनों फोन का कैमरा। Vivo S1 में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, सेम टू सेम Z1 Pro जैसा ही आपको कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप सेंसर वगैरह सेम यूज करा गया है। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा आपको 16 MP का मिलता है, जो सेकेंडरी कैमरा आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो तीसरा कैमरा आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर वाला देखने को मिल जाता है और मैक्स आपका ये 1080p तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। जबकि Realme X के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है 1.7 अपर्चर के साथ में और IMX का Sony 586 का सेंसर इस्तेमाल करा गया है और ये आपका 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। साथ में जो सेकेंडरी कैमरा आपको 5 MP का डेप्थ सेंसर वाला देखने को मिल जाता है। अब यहां पर जो कैमरे के बारे में आपको बता दो, उससे पहले आपको सेल्फी के बारे में बता देता हूं। यहां पर जो Vivo का फोन है यहां पर आउट क्लास कर देता है, 32 MP का अगेन यहां पर भी सेल्फी कैमरा मिलता है और Realme के फोन में आपको 16 MP का पॉपअप वाला आपको मैकेनिज्म वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई किसका कैमरा बेटर रहने वाला है, क्योंकि मैंने Vivo Z1 Pro और Realme X का कैमरा कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका तो मुझे रिजल्ट पता है, क्योंकि सेम सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। तो अगर आपने चैनल पे अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैमरा अगर आप रेयर कैमरा की बात करें तो हैंड्स डाउन हमारा जो विनर है वो रहने वाला है Realme X, बिकॉज जो वीडियो की कैपेबिलिटी है वो भी आपको 4K की मिल रही है, जो पिक्चर क्वालिटी है डे लाइट हो लो लाइट हो वो भी आपको बेटर देखने को मिल रही है। Vivo के फोन में आपको सिर्फ एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको वाइड एंगल लेंस
वेरियंट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा देर इज नो कंपैरिजन, रियलमी एक्स का एवरेज सा सेल्फी कैमरा है और वीवो का 32 मेगापिक्सल आउटस्टैंडिंग रहता है। तो अगर आपको बेस्ट बेटर मतलब जो रेयर कैमरा आपको बेटर चाहिए तो आप जा सकते हो रियलमी एक्स के साथ में, लेकिन अगर आपको बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली आप वीवो को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस एंड्रॉइड वर्जन UI के बारे में बात करें तो Vivo का फोन हमारा चलता है फंटच OS 9 पे और पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जबकि Realme X में यहाँ पर आपको कलर OS 6 पे यहाँ पर ये रन करता है, यहाँ पर भी पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। दोनों ही यहाँ पर UI काफी ज्यादा फेमिलियर है और सेम टू सेम ही है, लगभग फीचर रिच है। बाकी आपका फेवरेट UI दोनों में से कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरा फेवरेट UI यहाँ पर दोनों को अगर कंपेयर करते तो डेफिनेटली कलर OS 6 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स के बारे में, तो दोनों फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। Vivo S1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, जबकि अगर हम Oppo के फोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर Vivo के फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme X में यहाँ पर आपको जो है 3765 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पर आपको टाइप सी का बोर्ड मिल जाता है और वूक चार्जिंग 3.0 मतलब 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पूछोगे भाई बैटरी लाइफ किसकी बेटर है, तो डेफिनेटली आपको Vivo में बेटर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग की बात करते हो टाइप सी की बात करते हो तो वो आपको Realme X में देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे भाई वेट करें या Realme X को परचेज कर ले, देखो अगर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको दोनों में एग्जैक्टली में क्या डिफरेंस मिलता है, दोनों के यूजर अपने अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं Vivo S1 का किस किस को वेट करना चाहिए। तो देखो अगर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट चाहिए, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है दो सिम के साथ में SD कार्ड लगाना पसंद करते हो, तब आप वेट कर सकते हो। आपको बेस्ट सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए ये रेंज में, तब यहाँ पर आप 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का वेट कर सकते हो। और अगर आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली वेट कर सकते हो। और आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला रेयर कैमरे में फीचर चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पर Vivo S1 का वेट कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं भाई Realme X किस किस को परचेज कर लेना चाहिए। तो अगर आपको बेटर यहाँ पर डिस्प्ले चाहिए, मतलब बेजल लेस चाहिए, आपको डॉट नॉच भी नहीं चाहिए, आपको पंच होल भी नहीं चाहिए, मतलब एकदम से क्लियर एक्सपीरियंस चाहिए, पूरा का पूरा डिस्प्ले चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में, तब आप Realme X को परचेज कर सकते हो। बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर Realme X में देखने को मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह करते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ में आपको बेटर रेयर कैमरा देखने को मिलता है डे लाइट लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग में। तीसरी चीज यहाँ पर अगर वूक चार्जिंग, मतलब आपको एकदम से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, एकदम से मतलब एक घंटे में बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाए, तब आप यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको बढ़िया लगता है तब आप Realme X को यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे भाई कौन से फोन को परचेज करें, देखो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से यहाँ पर आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे भाई एक फोन बताओ जो कि दोनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं रहता दोनों में से चूज करने को बोलते तो डेफिनेटली मैं जाता Realme X के साथ में, बिकॉज जो Realme X जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, S1 थोड़ा कम करा रहा है लेकिन और प्राइस पॉइंट भी 18,000 की मतलब 1,000 ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो है एक विनर अगर आप चूज करने को बोलेंगे तो मैं जाना चाहूंगा यहाँ पर Realme X के साथ में। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ये दोनों फोन में से आप कौन सा फोन के लिए यहाँ पर जाओगे, कौन सा फोन आपको बेटर लगा बताना नीचे कमेंट्स में, और आपको कंपैरिजन मेरा यहाँ पर कैसा लगा स्पेक्स बेस वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। होप कि मतलब सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ सबसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।